सो हे गाइस, माय सेल्फ आर्टिस्ट क्रिएशन थी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने वाला हूँ लाइटरूम के अंदर स्किन को स्मूथ, स्किन को रिटच करेंगे हम लोग, स्किन को स्मूथ करने वाले हैं। किस तरह से किया जाता है मैं आप लोग को वो प्रोसेस बताऊंगा लाइटरूम के अंदर, वो भी मोबाइल फ़ोन पे। तो लास्ट ईयर मैंने जो वीडियो डाला था, जो पिक्सार्ट के अंदर मैंने स्किन को स्मूथ किया था, वो काफ़ी अच्छा था, बट उसमें क्या था ना, क्वालिटी को बहुत ज़्यादा लॉस था। लाइटरूम के अंदर मैं करके दिखाऊंगा आप लोग को, उसमें जरा सा भी क्वालिटी को आप लोगों को लॉस नहीं होगा, एंड आप लोग बेटर तरीके से आप लोगों के फोटोज़ को रिटच कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो उसमें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो आप लोग को क्या करना है ना, लाइटरूम इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन पे। हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे। तो जो भी फोटोज़ का हम लोग को स्क्रीन को रिटच करना है, स्क्रीन को स्मूथ करना है, उस फोटोज़ को सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ जो फ़ोटो मुझे रिटच करना है। ठीक है, ये वाला फ़ोटो है जिसे आप लोग फेस देख सकते हो किस तरह से लग रहा है। तो इसे मैं फेस को स्मूथ करूँगा, इसे लेके चलता हूँ मैं लाइटरूम के अंदर। ठीक है, और इसके फेस को स्मूथ करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, बहुत ईजी है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये जो आप लोग को मास्किंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे आप लोग को मास्किंग को सिलेक्ट करना है। ठीक है, मास्किंग को जैसे सिलेक्ट करोगे, ठीक है, मास्किंग को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एड एंड टूल का आएगा, तो यहाँ से आप लोग को थर्ड वाले ब्रश ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, बस ब्रश ऑप्शन को सिलेक्ट करना, अपने हिसाब से अकॉर्डिंग साइज़ रख लेना जो साइज़ आप लोग को चाहिए, फिदर एज इट इज जैसा है वैसा रहने देना आप लोग। ठीक है, उसको छेड़छाड़ करने का ज़रूरत नहीं है। और क्या हो जाएगा ना, इसको आप लोग को इस तरीके से पेंट करना होगा। ठीक है, फेस पे इसको ये लोग को ब्रश टूल को सिलेक्ट करके फेस पे इस तरीके से पेंट करना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को पेंट करना, आउटर लेयर पे मत चले जाना, फेस पे ही करना। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्मूथ करना है, तो सारे जगह पे 1:1 करते रहना। ठीक है, स्लोली करना ताकि गड़बड़ ना हो जाए हर एक जगह पे। फेस पे आप लोगों को कलर करते रहना है इस तरीके से। ठीक है, और कहीं ज़्यादा लग रहा है तो आप लोग को इसका साइज कम करके, इरेजर यूज़ करके आप लोग को कुछ इस तरीके से इसको रफ़ कर देना, कुछ अगर ज़्यादा लगता होगा तो। बस मेरा हो चुका है काम। ठीक है, तो आप लोग को अब क्या करना है ना, इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है। अभी यहाँ पे नीचे पे आप लोग को 3-4 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना। इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद ये टेक्सचर को एकदम लो कर देना। ठीक है, अभी कुछ स्मूथनेस नज़र आ रहा है ना आप लोग को, एक देख सकते हो आप लोग, स्मूथ है आप लोग को पहले से काफ़ी। ये रहा पहले वाला फोटोज़, एंड अभी स्मूथ थोड़ा सा नज़र आ रहा है ना, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, प्रोसेस अभी आप लोग को क्या करना है ना, क्लैरिटी ऑप्शन को भी थोड़ा कम करना है। ठीक है, ज़्यादा कम मत कर देना, नहीं तो अजीब लगेगा आपका फेस। ठीक है, इतना कर देना, अपने हिसाब से देख लेना कितना फेस आप लोग को स्मूथ चाहिए। ठीक है, ये देखो हट गया ना, इसको मैं एक बार बैक कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया वापस से, ये क्लैरिटी मैं अपने हिसाब से कम कर देता हूँ, और डीएच हो सके तो आप लोग थोड़ा सा बढ़ा देना, हल्का एकदम 1% तक ही बढ़ाना, उससे ज़्यादा मत लेना। और डिटेलिंग में जाना एक बार, नॉइस रिडक्शन, नॉइस को एकदम कम कर देना, शार्पनेस थोड़ा सा बढ़ा देना ताकि आप लोग का फोटोज़ अच्छा दिखे। ठीक है, अभी आप लोग को क्या है, फेस में थोड़ा सा दाना दाना दिख रहा है ना, इसके लिए आप लोग को हीलिंग ऑप्शन पर जाना है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, उस बटन पर नेक्स्ट करके मैं इसको हटा देता हूँ, बस हो जाएगा। ठीक है, तो हीलिंग ऑप्शन में जाने के बाद आप लोग को हील पता ही है किस तरीके से हील करना पड़ता है, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा हल्का हल्का डॉट करके लोग दे देना ताकि आपका हील से ये फेस का डार्क सर्कल्स और वगैरह पिंपल्स वगैरह हट जाए। ठीक है, तो ये हो चुका है। ठीक है, मैं इसे राइट क्लिक कर दूंगा। अभी देखिए बिफोर एंड आफ्टर आप लोग देख सकते हो ना, किस तरीके से ये मेरा फेस था पहले, अभी किस तरीके का हो गया। इस तरीके से आप लोग हाई क्वालिटी में इसे रिटच कर सकते हो, स्किन को स्मूथ कर सकते हो। ठीक है, बट पिक्सार्ट वाले में क्या होता था ना, पहले मैंने जो करके बताया था उसमें आप लोगों को क्वालिटी का बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिलता है। इसमें आप जूम करके देख रहे हो कितना अच्छा ये दिख रहा है ना, तो इस तरीके से आप लोगों को करना है।
और यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट लो ही करके क्लिक करना तो अच्छा रहेगा अपने कैमरा से, ठीक है। तो ये हम लोग का फेस स्मूथ हो चुका है, इस तरीके से आप लोग को स्मूथ करना है। वीडियो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए उसे जरूर मेंशन करिएगा, मैं उस टॉपिक में मैं वीडियो एक लेके आऊँगा, ठीक है। होप गाइस आप लोग को पसंद आया होगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, या कुछ सीखने को मिला तो जरूर से लाइक करके जाना वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू है तो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास जाए। और मिलते हैं ऐसे ही कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।